कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन, मतलब अपने को वैक्सीन लगवाने, थर्ड वैक्सीन जो आई है डोज उसको लगवाने, क्योंकि टू डोज मेरी ऑलरेडी लग चुकी हैं, जो कि बिजनौर में ही लगी थी, यूपी में ही लगवा ली थी, लेकिन अभी थर्ड डोज लगवानी बाकी रह गई थी। उसका भी कुछ लिमिटेड, मतलब टाइम प्रोसेस है कि इतने टाइम में लगेगी, शायद 8-9 महीने में कुछ लगभग ऐसा है। तो इतना टाइम हो चुका मुझे सेकंड डोज लिए हुए, तो अभी मैं जा रही हूँ थर्ड डोज लगवाने। अब शाम तक उसका क्या असर होता है, क्योंकि पहले में तो मुझे काफी फीवर आया था, दूसरे में थोड़ा कम था, लेकिन अब थर्ड में क्या होता है अभी देखते हैं। अभी तो चलते हैं। वैक्सीन लगवा के तो थर्ड डोज मतलब कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है, प्रिकॉशन डोज भी हो ले चुकी है, मतलब हाँ, तो थ्री डोज हो गई ना, मतलब कहने का ये है। तो अभी हम जाते हैं घर और शाम तक देखते हैं उसका असर, क्योंकि फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो आया था बहुत तेज से, विकट वाला, मतलब बहुत तेज से आया था, मतलब ये सोचो कि मतलब मेडिसिन वगैरह खानी पड़ी थी। अब इसमें देखते हैं आता है नहीं आता। अभी जाते हैं हम घर और फिर आज की वीडियो होगी कल अपडेट, क्योंकि शाम तक देखा जाएगा कि आई फीवर है या नहीं है, या कोई दिक्कत होती है या नहीं हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं। प्रिकॉशन वैक्सीन बूस्टर जो थर्ड डोज है, क्योंकि जो फर्स्ट और मतलब सेकेंड डोज में और जो थर्ड डोज लग रही है उसमें लगभग 8-9 महीने का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस होना चाहिए तभी आपको थर्ड डोज लगती है लगेगी। तो मेरी भी कंप्लीट हो चुकी है, और हम दोनों ने एक साथ डोज नहीं लगवाई थी, मतलब मैंने और इसके फादर ने एक साथ नहीं लगवाई थी। इसीलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि हमें अभी मतलब कभी फीवर आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो घर में इन्हें भी संभालने के लिए कोई चाहिए, और फिर मान लो अगर फीवर आ जाए तो खाना पीना भी तो कोई बनाएगा, इसीलिए एक साथ नहीं लगवाई थी, अलग अलग लगवाई थी। वो लगवा चुके थे और मैंने कल लगवाई थी, और ये जो ब्लॉग है वो कल का है क्योंकि मैं कल गई थी लगवाने, और आज का है क्योंकि मतलब लग रहा था कहीं फीवर वीवर ना आए, लेकिन ना थोड़ा सा बस ये हैंड दुख रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ही है, कल थोड़ा ज़्यादा था लेकिन आज ठीक है। तो मतलब फीवर वगैरह कुछ नहीं आया है, सब ठीक था। मुझे लग रहा था कि कभी आए, क्योंकि फर्स्ट डोज जब लगी थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मतलब पैरों से नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी पैर से, सर से लेकर पैर तक नीचे तक ऐसे, मतलब खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा फीवर, थोड़ा थोड़ा सा ठंड सर्दी सी भी लगी थी और फीवर वगैरह भी था। सेकेंड डोज में तो नहीं हुआ कोई दिक्कत, बस हाथ काफ़ी दिन तक हाथ में पेन हुआ था, मतलब जैसे थोड़ा सा भी ऐसे हिलाते हैं ना, थोड़ा सा मूवमेंट करने में उसमें पेन था, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी फीवर वगैरह की। और जो कल लगवा के आई हूँ मैं वैक्सीन, उसमें सिर्फ थोड़ा सा कल हाथ दुख रहा था, कल तो थोड़ा ज़्यादा था, आज मतलब ऐसा कोई खास नहीं है, बहुत ही लाइटली सा है जो पेन हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, ना ही फीवर आया ना ही कुछ हुआ। तो मैं ये चीज़ आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अभी मतलब देखो मौसम चेंज होता है तो सबको जुकाम खांसी बुखार ये सब भी होता है, और इसीलिए कोरोना जो है वो मतलब कभी उसके केसेस कम हो जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा मौसम से भी हो जाता है ये सब दिक्कतें, और मान लो कोई है उसके आसपास भी जाओगे तो हो ही जाता है फिर, इसलिए तो थोड़े सा मतलब जो ये डोज लग रही है तो आप लोग भी मतलब उसको ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसमें तो हमारी खुद की सहूलियत है कि हमें मतलब सेफ रहना है, वो ज़रूरत है हमें खुद को सेफ रहने की। अभी देखो बच्चों की नहीं है तो वो मजबूरी है कि हाँ हम नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन जैसे बच्चों की भी आएगी तो ज़रूर लगवाना, सब आ जाए, मैं तो सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी आए,
अभी क्या है हम लोगों का है, और जो मतलब और ज्यादा एज के लोग हैं तो सब लोग लगवाएं, उसमें कोई मतलब थर्ड डोज में ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम दोनों को ही कोई मतलब फीवर वगैरह भी नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, बस हैंड में थोड़ा सा पेन था, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो इसलिए भी प्रिकॉशंस मस्ट है, आप लोग भी लगवाएं, और मतलब जरूरी है लगवाना, क्योंकि ये हमारी खुद की सेफ्टी है, हमारी फैमिली की सेफ्टी है, तो इसलिए आप जरूर लगवाएं। और हटना प्रांगी, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ कभी फिर से फीवर आ जाए तो नहीं लगवा रहे, या मतलब दिक्कत हो जाए ये नहीं लगवा रहे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो वो तो जब मौसम चेंज होता है तो फीवर वगैरह तो वैसे भी आ ही जाता है सब किसी को भी, तो इसलिए आप जिसका भी टाइम हुआ है ये डोज लेने का, तो वो प्लीज जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी ले चुके हैं, और जो जो भी नहीं लिए हैं अभी तक उनको भी डोज लेना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी खुद की सेफ्टी है, हमारे घर वालों की सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी है, इसलिए। और बाहर जाएं तब भी मास्क लगा के ही जाएं। मेरा यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं था, जो जहाँ पे वैक्सीन लगी थी पास में था, पर लगभग 10 मिनट ही लगे थे, तो प्रांकी को लेने का जब टाइम होता है तो हम लोग उससे पहले ही निकल गए थे, तो 5-10 मिनट मुश्किल से लगे थे, क्योंकि भीड़ भीड़ तो रहती नहीं है इसीलिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लगवाया था, खैर क्योंकि जो मेरी पहली डोज जो दो थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगवाई हुई थी, लेकिन ये वाली डोज प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाई थी। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए भी नहीं जाना चाहा थोड़ा सा, और यहाँ पे ये जहाँ डोज लग रही है वो सेंटर पास में था, तो सोचा चलो यहीं पे लगवा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगने से मतलब है, तो इसलिए आप लोग भी लगवाएं। और बस यही होता है मेरा आज का जो बातें हैं, आज की जो ब्लॉग है, आज की जो वीडियो है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।